2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से सीए यानी नागरिकता संशोधन विधेयक का जिन बाहर आ गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीए का लागू करने का दावा किया है, जिसके बाद से सियासी पारा हाई हो गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून पर दिए गए बयान पर राजनीति शुरू हो गई। मिश्रा कल पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। जिले के ठाकुर नगर में दलित मतुआ उत्सव में मिश्रा ने ऐलान कर दिया कि भारत सरकार 30 मार्च 2024 तक सीएए को लेकर फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लेगी। जब हमारी सरकार 19 में बन गई तो गृह मंत्री जी ने 9 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट में रखा, उसको 10 तारीख को लोकसभा में पास हो गया। अजय मिश्रा के बयान को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। टीएमसी ने इसे बीजेपी का चुनावी हथकंडा बताया है। टीएमसी का कहना है कि इस बात को हम न भूलें कि साल 2019 में ही सीएए सदन में पास हो गया था। पिछले 5 साल तक सरकार क्या कर रही थी जो अब वो अचानक 2024 में जागी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार को कुछ नए हथकंडों की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी को इस बात का अंदेशा है कि वो सत्ता से शायद हटा दी जाए। इस कारण इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वो उसी प्रकार असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जिस तरह एक्ट। ठीक है, उनकी मेजॉरिटी उन्होंने एक्ट पास कर लिया है, लेकिन उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में पहले ही सीरीज किया जा चुका है। रिट पिटीशन जो है पेंडिंग है और वो हियरिंग शुरू होगी, लेकिन इन्हें तो इसी एजेंडे पर इलेक्शन लड़ना होता है। वहीं कई उलेमाओं और मौलानाओं ने भी सीए के विरोध में फिर से मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि सीएए 11 दिसंबर 2019 को संसद में पारित हुआ था। सीएए में भारत सरकार ने ये प्रावधान किया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। हालांकि ये वो लोग होंगे जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में एंट्री ली थी। हालांकि इस पर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन होने लगा था। अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसको लेकर फिर से सियासी सरगर्मी तेज होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।